वो भी होना चाहिए, तभी वो जो ध्यान शिविर में आपने पाया है वो ये नहीं कि आपको ध्यान शिविर करने से फायदा नहीं मिलता। ये दो फायदे मिलते हैं, पहला बीज का पढ़ना, दूसरा जिनको बीज पहले डल गया है उनके ऊपर जो धूल मिट्टी संसार में जाने से लग जाती है उसको पोषण मिलना, जो बीज रोक दिए हैं। हाँ, उसको पोषित करना। बाकी जो साधना है वो तो आपको घर पे 24 घंटे करनी ही पड़ेगी। मत करो, ये सब विधियां हैं जो यिन यांग की हैं और कुछ विधियां हैं जो सिंगल मतलब इंडिविजुअल करने की है। माता पार्वती को जब भगवान शिव ने विधियां सिखाई थी तो उनमें से जो शिव और पार्वती की जो विधियां हैं जिसमें मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, स्त्रैण एनर्जी और पुरुष एनर्जी दोनों साथ मिलकर ध्यान करते हैं तो वो यिन यांग तो हमारा शब्द नहीं है यहाँ का। यिन यांग विदेशी पश्चिम सभ्यता का शब्द है। यहाँ हमारे यहाँ पे तो अर्ध नारेश्वर का कंसेप्ट है इसमें। बाकी इसके बारे में पूरा जो एक परंपरा है तंत्रा की जो परंपरा है कोशों में वो इसके ऊपर काम करती है, यिन यांग एनर्जी के ऊपर कि किस तरह से संतुलन बनाया जा सकता है। सृष्टि पूरी दो एनर्जीज के साथ मिलकर बनी हुई है तो उस एनर्जी का अगर हम संतुलन बनाते हैं हर पुरुष के अंदर स्त्री, स्त्री के अंदर पुरुष, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, उसको कैसे ही हम जीते हैं। सिर्फ अकेली स्त्री अकेली स्त्री के साथ नहीं जी सकती, अपने स्त्री स्वभाव के साथ पुरुष का भी होना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। और पुरुष भी अकेले पुरुष स्वभाव के साथ नहीं जी सकता, स्त्री होना जरूरी है करुणा प्रेम को जिंदा रखने के लिए, तो ये चीजें जरूरी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ये PhD लेवल का टॉपिक है मेडिटेशन में। लेकिन कई बार क्या होता है बहुत छोटे लेवल पे जो बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है, ध्यान में पहली क्लास में एडमिशन लिया और वो सोचते हैं कि हम PhD कर लें तो उससे क्या होता है बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल जाती है। तो इन भ्रांतियों से बचने के लिए भी हमें थोड़ा सा अपने आप को उसी लेवल का साधना करनी चाहिए जिस लेवल पे हम यात्रा कर रहे हैं। जैसे अंदर से साफ हो चुके हो विचार और भावनाएं हमारे। माँ सरिता के कैंप में तो ये कंडीशन है कि पहले नो माइंड बोर्न अगेन थेरेपी और मिस्टिक रोज तीन जब तक आप नहीं कर लेते। ओशो की मास्टर है माँ सरिता जिन्होंने तंत्रा को अभी जीवित रखा हुआ, तंत्रा की परंपरा को लिविंग में अभी जिंदा रखा हुआ है, वो इसी के ऊपर काम करती है। तो उसमें जाने से पहले तीन कंपलसरी वो है कोर्स है जो करने होते हैं ओशो के, बोर्न अगेन नो माइंड और मिस्टिक रोड। अगर वो कर लेते हैं आप तो आपके जितने भी पुराने जन्म की इस जन्म की कंडीशनिंग है, परतें हैं मन की, विचारों की, संस्कारों की, भावनाओं की, वो सब गिर जाती है। फिर आप तंत्र में जाते हैं ध्यान में तो उसमें आपको शिव और शक्ति का जो एक विज्ञान है ऊर्जा का वो पूरा समझ में ही नहीं आएगा, वो आपको अनुभव में आएगा। दूसरा मार्ग है इसी का तंत्र में, अगर आप लॉजिकल माइंड है फिर तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी भी है, दो पर्सनैलिटी है ना जीवन में, एक पर्सनैलिटी है जो तो लॉजिकल है और एक है जो लव में होते हैं, प्रेम में होते हैं। तो जो प्रेम वाले लोग हैं वो बिना किसी थेरेपी के सीधा जा सकते हैं, आपको किसी से प्रेम ग्रहित हो जाए। अनकंडीशनल, आपको कुछ पाना नहीं है उनसे, सिर्फ देना था। तो उस स्थिति में भी आपके मन के भीतर जो ग्रंथियां हैं, जो अहंकार है, जो धूल मिट्टी है वो गिर जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में भी आप डायरेक्ट तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मैं बीच में थोड़ा इधर क्योंकि आपको जाने की इच्छा वाले ऐसा मुझे बताया था, तो पहले बीच में ले लें उनका, उनका ले लो पहले। Thank you.
अभी जल्दी होगा अभी।